पुलिस ने युवक की हत्या की जताई आशंका, महिला से थे प्रेम संबंध, चंबल नदी में चलाया सर्च अभियान। धौलपुर 11 मई को लापता ट्रक ड्राइवर की पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले में युवक की प्रेमिका की तलाश कर रही है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर चंबल नदी से खून से सने हुए कुछ कपड़े बरामद किए गए। मामले में युवक के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि खुर्दगांव के रहने वाले एक बुजुर्ग सुरेश शर्मा ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उनका पुत्र आनंद शर्मा अपने साथी ड्राइवर गौरव के साथ ट्रक चलाकर 11 मई को धौलपुर आ गया था। धौलपुर आने के बाद युवक घर नहीं पहुंचा, जिसकी कई जगह तलाश भी की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के किसी महिला से प्रेम संबंध थे, जिस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में मिले इनपुट के बाद पुलिस ने युवक को तलाशने के लिए कई जगह छापामार कार्रवाई भी की। थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार को मुखबिर से मिले इनपुट के बाद चंबल नदी में सर्च अभियान चलाया गया, जहां चंबल नदी में पुलिस को मृतक युवक की प्रेमिका के घर से कुछ खून से सने हुए कपड़े मिले, जिस आधार पर पुलिस मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।